had so much fun. आज से मुझे बड़ा अच्छा सा appreciation मिलता है. ना पापा. Telling lie. ये पापा. I'm feeling high. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. I'm vlogging after such a long time. I don't know, मुझे मेरे vlogs में बहुत ज़्यादा gaps आते जा रहे हैं. I'm not been active on YouTube at all since last like I think it's been 1 to 2 months I have been not active and I'm actually vlogging after Munchie's birthday. Okay, to be honest, आज actually जब मैं vlog कर रही हूँ तो this is 12th of August. कल रक्षाबंधन थी. मैंने vlog start किया था half of the day तक मैंने vlog किया भी था but I don't know why मुझे feeling नहीं आई vlog continue करने की और उस vlog को डालने की. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है. आई डोंट नो वाई बट ना बहुत ज़्यादा से ना क्रिएटिव ब्लॉकेज सॉर्ट ऑफ हो रहा है मुझे इन दिनों यूट्यूब को लेके स्पेशली. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या नया करूँ, क्या दिखाऊँ. वही डेली नॉर्मल लाइफ, वही सब चीज़ें. कितना आप देखोगे, कितना पसंद करोगे, ऐसा लगता है कि सेम चीज़ें क्या दिखाऊँ. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है. रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता है, ना ही रोज़ मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ना ही कुछ ऐसा होता है. एंड आई एम द पर्सन जो सिर्फ यूट्यूब पे दिखाने के लिए आई कैन नॉट डू समथिंग या ऐसा सब कुछ चल रहा है. बट एट द सेम टाइम मुझे ना बहुत ज़्यादा मन करता है व्लॉग करने का. आई मिस यूट्यूब सो मच. आई मिस क्रिएटिंग वीडियोज़, आई मिस एडिटिंग द व्लॉग्स एंड एवरीथिंग. सो फाइनली टुडे आई डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स डू अ व्लॉग. देखते हैं, हो सकता है वो फीलिंग दोबारा से, वो मोटिवेशन फीलिंग सब कुछ वापस आ जाए. क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी है. द रीज़न बीइंग टुडे इज 12th of August एंड टुडे 2 years बैक इज द डे 12th of August जब हम मंची को आफ्टर 26 days घर वापस लाए थे हॉस्पिटल से. सो शी वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 26 days. उसके बाद हम उसे घर वापस लाए थे. सो ऑब्वियसली दिस डे इज अगेन वेरी वेरी स्पेशल, जस्ट लाइक हर बर्थडे. सो हम लोग सोच रहे हैं छोटा सा कुछ सेलिब्रेशन करने का. सो अभी एग्जैक्ट प्लान डिसाइडेड नहीं है कि हम क्या करेंगे, बट वी विल डू समथिंग फॉर श्योर. बट अभी के लिए मुझे एक्चुअली ना एक ब्रांड का रील शूट करना है. सो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है. सो लेट्स गो एंड डू इट एंड देन वी विल सी कि पूरा दिन किस किस तरह से क्या क्या करते हैं हम. सो दिस इज द शैम्पू एंड द हेयर मास्क दैट ब्रांड हैव सेंट मी. दिस इज ट्रिचअप कैरेटिन शैम्पू एंड हेयर मास्क. इसकी मुझे एक रील शूट करनी है. मेरे पास बहुत ही मस्त सा आइडिया है इसके एक रील शूट करने का, एक कॉमेडी वे में और एक बहुत अच्छे से दिखाने का. इसको मैं एक्चुअली यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई रियली रियली लव्ड इट. सो इसकी आज हम एक रील शूट करने वाले हैं. कोशिश करूँ कि मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन भी कैप्चर कर सकूँ कि मैं किस तरह से रील शूट कर रही हूँ. एंड मोहित इज गोइंग टू हेल्प मी. कर ले, चलो. ही इज़ माई सेवियर फॉर ऑल द रील्स, फॉर ऑल द वीडियोज. ही डज इट फॉर मी. मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसे ये रखा रहेगा. ठीक है, आप पहले इसको ना पहले क्लोजअप से ले लेना. ठीक है, पहले इन दोनों को. ठीक है, उसके बाद मैं ये क्लोजअप में ही रहेगा. मैंने ही क्लोजअप में रहूंगी, मतलब ये रहेगा इतने उससे. और उसके बाद मैं इसको ऐसे उठाते हुए लेके जा रही हूँ. ये वाला एक शॉट लेना. ठीक है, उसके बाद मैं वॉशरूम में जाऊंगी. ठीक है, मैं एंटर करूंगी, उसका इधर से शॉट लूंगी, एंटर करते हुए वॉशरूम में, फिर अंदर से लूंगी, चेक करने लगाते हैं. ठीक है, ओके. बैक इन द किचन, जो मेरी रील है उसका मैं हाफ पार्ट शूट कर चुकी हूँ. हाफ अभी भी बाकी है, अभी थोड़ा सा ही हो पाया है, थोड़ा भी बाकी है. वो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर में करूँगी. एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे भी और मोहित को भी. सो मैं सोच रही हूँ फटाफट से चपाती बना लेती हूँ, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट शूट करूँगी. क्योंकि रील दिखती छोटी सी है, वो होती 15 सेकेंड की या 10 सेकेंड की ऐसे है, बट उसको बनाने में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. फाइनली द शूट इज डन.
खाना वाना खा के मैं खाना खा मतलब मेरा खाना हुआ ही था कंप्लीट, इतने में मंची भी जग गई थी। उसके बाद मंची को खाना खिलाया, उसके बाद मैं नहा के आई एंड जो फाइनल शॉट्स थे हमने वो लिए एंड फाइनली द शूट इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस ड्रेस, ये मैंने शूट के लिए डाला था। आई एम गोइंग टू चेंज इन टू समथिंग कैजुअल एंड उसके बाद मंची के साथ कुछ एक्टिविटी करते हैं। मंची भी जग चुकी है। मंचू शे हाय, कितने दिन बाद हाय बोला आपने कैमरा को? कितने दिन बाद हाय बोला है? पापा जॉनी जॉनी करके दिखाएंगे। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर ना पापा, टेलिंग लाइज यस पापा, ओपन योर माउथ वेरी गुड, दिस इज व्हाट शी डज नाउ। ये मुझे बोलती है जॉनी जॉनी, मुझे यस पापा बोलना होता है और लास्ट में मुझे बड़ा अच्छा सा अप्रिसिएशन मिलता है वेरी गुड का। Yes, Papa. Is this sugar? No, Papa. Try it. No, Papa. I beat them. Ha, ha, ha. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Yeah! Yeah! Can you kiss Mama? Hi, thank you. Dad, Nanny. Huh? Dad, Nanny. Yes, Papa. Is it sugar? No, Papa. Diet. No, Papa. Happy dum. Ha, ha, ha. Very good. Thank you. Very good. अच्छा मंजीर एक और चीज सीखी है, अभी मैं थोड़ा सा शॉफ कर लेती हूँ। Nose. Eyes. Lips. Teeth. Ears. Hands. Fingers. Stomach. Legs. Yes. Head. Hair. Very good. Chin. Chin. Tongue. अभी शी इज़ एक्चुअली क्वाइट इन अ लर्निंग फेज, उसको बड़ा मज़ा आता है नई नई चीज़ें सीखने का, नई नई चीज़ें बोलने का। तो अभी हम जो भी बोल रहे हैं सब रिपीट कर रही है, सब सीख रही है, बहुत जल्दी ग्रास्प कर रही है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज़ें से सिखा सके इसको। काफ़ी सारे एनिमल्स नेम्स भी आ गए हैं, बट द ओनली थिंग जो मैं ट्राई कर रही हूँ उसको भी नहीं आ पा रहा है, विच इज़ कलर्स। बट ऑब्वियसली भी वो बहुत छोटी है, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बट या जस्ट बींग अ शॉफ मदर, जो नॉर्मली जिनके बच्चा होता है वो ना शॉफ करते हैं कि मेरे बच्चे को क्या क्या आता है, मेरे बच्चे को क्या क्या आता है। मैंने सोचा था मैं ऐसा नहीं करूँगी बट कांट हेल्प इट। एनी वे आई चेंज माई ड्रेस एंड देन आई सी यू। एक्चुअली मंची का भी ना 4 दिन ऑफ है, मतलब डे केयर से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आज है, देन सैटरडे संडे, देन 15th August। सो 4 दिन वो भी घर पर रहने वाली है। सो आई एम प्लानिंग सम एक्टिविटीज़ फॉर हर कि जो मैं उसको करा पाऊँ और उसको एंगेज रख पाऊँ, ताकि वो सीख भी ले और एंगेज भी रहे। क्योंकि अब उसका स्केड्यूल वैसा सा हो गया है ना कि वो नॉर्मली हमेशा डे केयर में होती है, तो अभी फर्स्ट टाइम डे केयर जाने का 4 दिन वो घर पर है। लायन तो 4 दिन घर पे ही है। सो मैं उसके लिए कुछ एक्टिविटीज सोच रही हूँ कि मैं क्या 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 करा सकती हूँ। कशु कम, स्विच ऑफ कर दिया टीवी को, मैट बिछाते। सिट, वेरी गुड। हाँ कितना खुश हुई है। कशु ऐसे करना है, देखो ऐसे ऐसे, वेरी गुड, यस वेरी गुड। हमसे हार्ड वर्क ना हो पाई, हमसे स्मार्ट वर्क ही हो पाई है। वेरी गुड। Thank you.
ये लो। Okay, I'll change my clothes again. हम लोग अभी जा रहे हैं मंची का होमकमिंग डे सेलिब्रेट करने। अब प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे सरस्वती मॉल, वहाँ पे हम देखेंगे कि मंची के लायक कुछ ऐसे फन जोन टाइप होगा ना, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। हम सोच रहे हैं मंची के साथ थोड़ा फन टाइम स्पेंड करने का, जहाँ पे हम लोग उसके साथ कुछ गेम्स वगैरह खेल सके और थोड़ा एंजॉय कर सके, वो सब करेंगे। होपफुली कुछ मिल जाए मंची की एज का, और उसके बाद बाहर खाना वाना करके फिर आएंगे। सो या दैट इज द प्लान। मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैंने अभी सिर्फ कपड़े पहने हैं। मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैंने भी सिर्फ कपड़े पहने हैं। आप तो रेडी हो, रेडी लग रहे हो। अभी रेडी होना बाकी है। अब क्या बाकी है, एक मंची है जो अभी तक रेडी नहीं हुई, वो अपने डैडी को लेके घूम रही है। चले, आर यू रेडी टू गो? कशु मम्मा को रेडी होना है बेटू। आपको ऑलवेज मैं अपना मेकअप किट लेके आओ, जाओ ना मेकअप किट लेके आओ ना। कशु मम्मा को रेडी होना है। रुको, बाय रुको। कर लाए? हाँ, ये गर्म है बट बहुत ज़्यादा नीचे का पॉट। लग रहा है कुछ हुआ? गर्म है नीचे का। थैंक यू। क्या क्या उल्टे पुल्टे काम कराती रहती तुम? मैंने ये हैक इंस्टाग्राम पे देखा था कि अगर फाउंडेशन खत्म हो जाए तो उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लो, तो ये जो साइड में लगा हुआ है वो छूट जाता है। विच आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी, मेरा फाउंडेशन पूरा खत्म हो गया, आ नहीं रहा है। अब थोड़ा ठंडा होता है तो मैं देखती हूँ कि आता है क्या। बट ऐसे बट ये भी गर्म होगा ना, मैं वही सोच रही थी। गर्म है? बट आया। सी, हाँ शूज पहन लो। नहीं, शूज अच्छे लगेंगे थोड़ा। वी आर रेडी। हाँ यार, बहुत ही कम जा पाते हैं हम, किसी ना किसी काम के लिए ही जाते हैं एक्चुअली में। शॉपिंग करना होता है, कुछ लाना होता है, कुछ लेना होता है, कुछ काम होता है, तब भी निकलते हैं हमेशा। आता है ना बाहर से तो अपन घूमने जाते हैं, बहुत रह जाते हैं, बहुत रह जाते हैं। आज मंची ने हमें घूमने का एक मौका दे दिया। बाहर जाके वो ऑलवेज खुश होती है। चीन आ गया, आ गया, आ गया, चीन आ गया। फाइनली वी आर हियर टू प्ले। मंची को, मंची के साथ खेलने के लिए आए थे, मंची को खिलाने के लिए आए थे, और मंची स्लीपी हो गई है। कार में एक्चुअली सो गई थी, और अभी अभी इसको स्ट्रॉलर में जब लिटाया तो उठ गई है। बट आई थिंक वेरी स्लीपी शी इज, सो लगता है खेल पाएगी कुछ भी। हाँ, देखते हैं पहले इसके मतलब का खेल कौन सा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सारे ऐसे राइट वगैरह कर, उधर की साइड होगा। हाँ, उधर की साइड है, देख रहा हूँ।
कैसे कर रही है? You're having fun? सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब मजा आ गया, इतना मस्त एम्बियंस था ना. फैशन को छोड़ते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, गाड़ी ड्राइव करनी है. यस मैम, आर यू रेडी? टाइम टू गो. क्या दिन आ गए मामा बंदे. ओके, We had so much fun today. आप लोग यकीन नहीं करोगे हम कितने टाइम बाद बाहर गए हैं. अगर आपको ना याद होगा, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है ना, जब हम लोग डेट पे गए थे पर फर्जी कैफे, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है उसमें ना 1 ईयर हो चुका होगा. 1 ईयर भी नहीं तो 9-10 months तो आराम से हो गए होंगे. दैट वॉज द लास्ट टाइम कि हम इस तरह से जस्ट कहीं खाने के लिए या इन्जॉय करने के लिए कहीं गए थे. अदरवाइज़ उसके बाद जितनी बार हम जाते हैं ना कहीं पर, तो कुछ ना कुछ काम होता है तभी हम जाते हैं. मतलब ऐसे घूमने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए जाते, पता नहीं हो करते ही नहीं है हम लोग ये सब चीज़ें. और जब जाते हैं ना तो ये सोचते हैं कि इस बार ही पक्का पक्का रेगुलर आया करेंगे, बिकॉज इट फील्स गुड. फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है, मंची को भी एक्सपोजर मिलता है. मंची हैड अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़े किए उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के. एक पोपट हुआ हमारा कि हम लोग जब फन जोन में गए थे तो हम लोगों ने सोचा था मंची को हम सारे गेम्स वगैरह कराएंगे वो सब. हम लोगों ने वो कार्ड वर्ड रिचार्ज करा लिया उसका. जब जाने लगे तब उन्होंने हमें बताया कि मंची अलाउड नहीं है, सर्टेन हाइट का बच्चा है वही अलाउड है, और कोई भी गेम वो कर नहीं सकती थी. सो फाइनली ऑब्वियसली वो नहीं कर सकती थी, तो हम लोगों ने वो कार्ड रिटर्न करा दिया, रिफंड ले लिया. एंड बट हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो वैसे राइड थी ना, मैंने एक्चुअली वीडियोस वगैरह डाली है, तो ऐसे कार वार वगैरह जो प्रॉपर चल नहीं रही थी, उसको बैठा के उसने आराम से मस्ती कर ली, क्योंकि उसको ऑब्वियसली अब उतना पता नहीं है कि गेम्स वगैरह होते हैं, राइड्स वगैरह होती है और ये सब. बट उसने बैठ के वो क्या कहते हैं स्टेयरिंग वगैरह चला लिया, वो उसी में बहुत खुश हो गई. तो उसने अपना पूरा एंजॉय कर लिया, फ्री का मस्ती, फ्री की मस्ती करके आई है वो लिटरली. और हम लोगों ने भी उसके साथ बहुत एंजॉय किया एक्चुअली में. एंड उसके बाद हमारा डिनर एक्सपीरियंस, डाइनर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है. एक्चुअली सरस्वती मॉल में जो 5th floor है वहाँ पे पूरे में एक हब खुला है. वो हब सिर्फ और सिर्फ लाउंजेस और ये जो डाइनिंग है इसी का है. तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस एट वन फ्लोर ओनली, तो आप आराम से होप कर सकते हो वन टू अनदर एंड यू कैन एक्सप्लोर. सो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. या इट वॉज सच अ गुड डे, सच अ गुड एक्सपीरियंस. बहुत टाइम बाद गए, वी लव्ड इट. आई थिंक आई शुड एंड इट राइट हियर. And I will see you on the next vlog. Till then, please do take care. And yeah, I'll see you on the next video. Bye.